कांग्रेस के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक शशांक भार्गव के नेतृत्व में विदिशा के माधवगंज में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल 750 लोगों के नाम विभिन्न योजनाओं से काट दिए गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद नगर पालिका CMO सुधीर सिंह मौके पर पहुंचे और समस्याओं के जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इसलिए आज दोबारा से हमने चेताया है और निवेदन किया है उनसे कि गरीबों के काम करो, आप किसी की बातों में ना आओ। जो सरकार ने योजना बनाई है, जो सरकार के अधिनियम में, उसके हिसाब से सरकारी जो सहायता गरीबों को मिलना है उसे तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इसी निवेदन के साथ हमने आज ये धरना किया था। फिर 8-10 दिन के अंदर ये नहीं चेते, कुछ लोगों के नहीं बने, तो फिर हमको बात होना पड़ेगा इसकी। कार्रवाई हो रही है, सारे जो समस्याएं थी वो एकदम से निराकृत नहीं होगी, उसमें समय लगता है। कोई भोपाल से होता है, कोई नगर पालिका से होता है, तो नगर पालिका लेवल पे जो होता है वो सब हम लोग कर चुके हैं। और जो अपर लेवल पे है, जैसे कुछ अन्य विभागों से होना है, वो जानकारियाँ हम विभागों को दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि किसी में 3 दिन का टाइम लगेगा, किसी में 15 दिन का लगेगा, या किसी में 45 दिन का टाइम लगेगा। मैं एक जानकारी बना के लाया हूँ जो मंदिर विधायक।